नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, पर सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती रहे। आज है 16 मार्च और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की एक साप्ताहिक पत्रिका आती है गिरिराज, तो उसमें से इस पीडीएफ फाइल में सभी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, निकरा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर निकरा स्कीम? तो इसका राइट आंसर रहेगा, 4 जिलों का चयन किया गया है। अगर निकरा योजना के बारे में बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर। हिंदी में बात की जाए, जलवायु प्रतिरोध क्षमता पूर्ण कृषि। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों का चयन किया गया है? चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को इसमें सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लग्गा गांव के 2 किसानों को सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में गिरिराज पत्रिका में विस्तार पूर्वक बताया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2020 को हिमाचल प्रदेश को भारत के मानचित्र पर उभरे हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? हाउ मैनी ईयर्स हैव बीन कम्प्लीटेड इन हिमाचल प्रदेश एज इट हैज़ अमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ इंडिया ऑन 15 अप्रैल 2020? तो इसका राइट आंसर रहेगा, 72 वर्ष। हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 2020 को भारत के मानचित्र पर उभरे हुए 72 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, 15 अप्रैल 2020 को 73वां हिमाचल दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का जन्म 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश मुख्य प्रांत कब बना था? 1948 में ही हिमाचल प्रदेश मुख्य प्रांत बना था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। और इसके अलावा 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों, इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, 129वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में बताया गया था, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, आपने ये भी याद रखना है। और इन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था, आपने ये भी याद रखना है। और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपने ये सभी याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, बाबा बालकनाथ द्योड़ सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाबा बालकनाथ द्योड़ सिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर रहेगा, हमीरपुर। सुर्खियों में इसलिए है, 5 करोड़ रुपये कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दिए गए हैं।
तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बाबा बालकनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने डैश डैश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ डिड द वेबिनार सीरीज स्टार्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सी श्रृंखला की शुरुआत की है, देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला की शुरुआत की है, कब से की है, 14 अप्रैल 2020 से, और किस लिए की है, इससे हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके, इसलिए श्रृंखला की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, अन्नपूर्णा पोर्टल विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने इन दोनों पोर्टलों की शुरुआत की है। अब इन पोर्टलों के बारे में बात की जाए तो अन्नपूर्णा पोर्टल खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आम जनता की सहायता करेगा, और इसके अलावा आपूर्ति मित्र पोर्टल यह जरूरी खाद्य सामग्रियों की फ्री होम डिलीवरी करेगा। तो इसलिए इन दोनों पोर्टलों की शुरुआत की गई है, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी, जो बीजेपी पार्टी से हैं, और इसके अलावा राज्यपाल या गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर इनका नाम है। तो अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में देश का पहला सैनिटाइजिंग टनल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। द कंट्रीज फर्स्ट सैनिटाइजिंग टनल रिसेंटली बिल्ड ऑन द विच रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया गया है। और इसके अलावा भारतीय रेलवे के बारे में बात की जाए तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, कब हुई थी, 1853 में। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी, और इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव, और इसके अलावा महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार, और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई, इनका नाम है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मिथाई थे, तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है, तो कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 0.1%। अब यूएन के बारे में बात की जाए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, और इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, हाल ही में महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, तो रिसेंटली महाबलेश्वर एमएस हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बैंक। महाबलेश्वर एमएस को सीईओ एंड एमडी कर्नाटक बैंक का हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा कर्नाटक बैंक के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, मंगलुरु कर्नाटक में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, जितने भी प्रश्न रहते हैं सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं दोस्तों, डेली आपके लिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम भी डेली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी डेली हेल्प की जाएगी, डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको इट्स कानिस फेसबुक पेज और इट्स कानिस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगी। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।